Welcome students, class 11th, chemistry. Today we'll discuss about the Bohr's model and Bohr's theory and line spectrum of hydrogen under unit 2, structure of atom. First of all, we must remind that what is line spectrum? The line spectrum of atom in the gas phase are obtained by passing discharge through their vapor state, and the beam of light coming out is passed through the prism. The spectrum obtained is not continuous, just like the rainbow, but region of different frequencies are separated by well-defined lines. It is known as the line spectrum. जिस तरह से रेनबो में continuous lines, continuous region दिखाई देते हैं, यहाँ पर जब हम गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेके पास करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, और जो भी लाइट बाहर निकलती है उसको स्टडी किया जाता है प्रिज्म में पास करने के बाद, तो हमें अलग अलग लाइंस दिखाई देती हैं, वेल डिफाइंड रीजन दिखाई देते हैं, एंड इट इज नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रम. एंड वेर वी टेक हाइड्रोजन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इट विल बी द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ये एमिशन स्पेक्ट्रम का एक टाइप है, इसमें कि जो गैस एटम्स हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो वापस अभी नॉर्मल स्टेट में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, दीज एमिट दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड दीज रेडिएशंस प्रोड्यूस द लाइन स्पेक्ट्रम. नाउ फाइव सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ द हाइड्रोजन व्हेन इट इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. वन इज द लाइमन सीरीज, इट इज ऑब्जर्व इन अल्ट्रावायलेट रीजन. बाल्मर सीरीज, इन विजिबल रीजन इट इज अपीयर्ड. पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पिफन सीरीज, all these are visible in infrared region. So that is about the line spectrum in brief. Now we have to understand how the Bohr's model explains the line spectrum of hydrogen. Kis tarike se Bohr's model ne line spectrum of hydrogen ko explain kiya? Jab hydrogen gas ko hum discharge tube mein lete hain to aur electric arc pass karte hain, to jo hydrogen atoms ke electrons hain, these absorb energy and jump to their higher energy level. This energy state is known as the excited state. अब यहाँ पर electrons stable नहीं होंगे, and these return back to their ground state. Ground state means जहाँ वो normally रहते हैं या उनकी जो normal energy state है वो वापस आते हैं, either in one step or in several steps. And during each jump, these emit extra energy in the form of rays, which are having different frequencies और वेवलेंथ, तो उसके बेस पर ही डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग लाइंस दिखाई देती हैं कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी उसी टाइप की लाइंस. इस तरह से बोर्स मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया. नील बोर एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट लाइंस एंड नेम्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड लाइट बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन रिटर्न फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट. उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम दिया गया, और साथ ही साथ किस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया पहली बार उसके बेस पर भी उनका नाम दिया गया. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस हम कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये हम मालूम करेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन इज इक्वल टू हायर ऑर्बिट टू एन इज वन इज इक्वल टू लोअर ऑर्बिट. अगर दो ऑर्बिट नंबर टू और नंबर वन है तो उस टाइम पर उनकी एनर्जीज का जो डिफरेंस है उसको काउंट करते हुए वी विल फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड और वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन द फॉर्मूला एज गिवन. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच एंड लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई मीन्स ई टू माइनस ई वन. तो इसके बेस पर हम वेवलेंथ मालूम करेंगे, और जो वेवलेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंगली जो लाइन मिलेंगी उसको हम पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नंबर टू सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल वॉज Bohr explained कि हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन येट ए लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स आर ऑब्टेन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हाइड्रोजन एटम के पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इतनी सारी लाइनें क्यों मिलती हैं. तो इट वॉज एक्सप्लेन, ये इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस का सैंपल ले रहे हैं, और सैंपल में देर आर सो मैनी हाइड्रोजन एटम्स, देर आर सो मैनी इलेक्ट्रॉन्स. सो जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करेंगे different electrons absorb different energy and go to different energy levels.
कोई 7 नंबर पहुंच जाता है तो कोई 3 नंबर पहुंचता है, कोई 5 में है तो कोई 4 में है. सो दीज आर गोइंग टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. नाउ दे रिटर्न बैक, अब वहां से इनको वापस आना है. और जब ये वापस आते हैं सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड सो मेनी लाइंस आर ऑब्टेंड. सो वी मस्ट नो दैट ऑल्दो हाइड्रोजन इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बट वी आर टेकिंग द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस विच हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. So it is the diagram which is indicating the line spectrum of hydrogen. For example, in one case, the electron is coming out from number n infinite 2 and 5 and 4 and 3 and 2 से लेकर number 1 तक आता है. Then जो region हमें दिखाई देगा उस series का नाम लिखा हुआ है Lyman series. In the same case, जब electron higher orbit से second तक आता है तो जो हमें lines मिलेंगी उनका नाम दिया गया है Balmer series. और जो हम इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट तक आता है उसका नाम है फास्टन सीरीज. देन ब्रैकेट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स अप टू फोर्थ ऑर्बिट एंड व्हेन इट कम्स बैक अप टू फिफ्थ ऑर्बिट इट इज नोन एज द प्रेफर्ड सीरीज. सो वन इलेक्ट्रॉन 5 टाइम्स जंप करने के बाद भी नंबर 1 तक आ सकता है और हर बार ईच टाइम इट विल प्रोड्यूस द लाइन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ. Now electron jumps from higher orbit to number 1. अगर electron higher से number 1 तक आया है तो ये series हमारी कहलाएगी जो हमें violet region में दिखाई देगी, ultraviolet region में दिखाई देगी, इसका नाम हम दे सकते हैं Lyman series. अब ये जो line दी गई है, Balmer was the first scientist in 1885 जिसने की visible region में spectral lines को observe किया और उसकी frequency number को भी, उसकी wave number को भी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर को काउंट किया, फाइंड आउट किया. उसके बेस पे उसने अपना एक फॉर्मूला दिया विजिबल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, विजिबल रीजन में लाइंस के लिए. द स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिक जे रिडबर्ग इन 1888 गेव एम्पिरिकल फार्मूला टू मैच विद फॉर्मूला ऑफ बॉलमर सीरीज. जो फॉर्मूला बॉलमर ने अपना सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था तो 1888 में जे रिडबर्ग ने सेम फॉर्मूला दिया और उसको प्रिडिक्ट किया कि इसी के बेस पर ऑल सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी डिस्क्राइब एंड दैट एक्सप्रेशन इज न्यू बार मींस वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर. एन वन जो आपकी होगी इनिशियल जो फाइनल वैल्यू है कहां से इलेक्ट्रॉन गया और कहां से आया, और जो n2 होगी दैट विल बी द फाइनल नंबर ऑफ ऑर्बिट. थियोडोर लाइमन इन 1906 डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइन इन स्पेक्ट्रम व्हाइल स्टडीइंग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज हाइड्रोजन एंड फोर दैट वेयर n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज मोर देन 1. सो लाइमन वॉज द साइंटिस्ट हु discovered line after the Balmer series of lines. Similarly, when electron jumps from higher to third, fourth, fifth orbit, lines will be observed in IR region and these are named as Paschen, Brackett and Pfeffer series respectively. Bohr explained why electronic energy has negative sign and it can be explained by assuming electron at infinite distance. So when electron is present at infinite distance, it will feel no attraction, no repulsion with the nucleus. Because there is no attraction force, so energy of electron is taken as zero, may be taken as zero. And when it comes near to the nucleus, it will feel attraction force and energy is released. But it has already zero energy, so it will get negative sign of its energy. So jitna electron न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव में उतनी ज्यादा होती जाएगी, एक्चुअल में वो उतनी ही कम होगी. सो जितना पास न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जितना दूर होगा उसके पास एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी. फोर्थ पॉइंट, बोर गेव द रिलेशन टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स एंड दैट फार्मूला इज गिवन एज
radius in nth orbit will be a naught into n square upon z, where z is atomic number and n is the number of orbit. In case of hydrogen, where z is equal to 1, n is equal to 1, so radius will be equal to a naught 52.9 picometer. He gave value of energy that an electron can have in any orbit of atom, and the energy is emitted when electron moves from higher orbit to lower orbit. Higher orbit से lower orbit में जब electron आता है तो energy release करता है, and energy gap between two orbits is given by delta E is equal to E final minus E initial, and E final can be obtained by formula minus RH 1 upon NF final square. For initial, that will be minus RH 1 upon N initial square. Placing these two values, we can find out the delta E, and the formula is given as 2.18 10 to the power minus 18 into 1 upon N initial square minus N final square. Energy of an orbit can be given by the formula En is equal to minus 2.18 10 to the power minus 18 z square n square in joule. But if it is in electron volt, the formula will be En, means energy in any orbit, will be equal to minus 1313 z square upon n square electron volt, where z is atomic number and n is the number of orbit. Now there is a question, what is the maximum number of emission lines when excited electron of hydrogen atom in n number 6 to ground state? So uske liye formula aapko yaad rakhna padega. That formula will be, for the maximum number of spectral lines, n into n minus 1 upon 2, n is that orbit from where electron is coming back. So when it is coming back from 6th number, so total number of spectral lines will be 15. So we can find out the number of spectral lines. We'll discuss about the problem. What is the frequency and wavelength of a photon emitted during the transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2? We must know that we have electron is coming back from n number 5 to n number 2, and for that initial number of the orbit is 5 and final orbit is the 2. So using the Rydberg formula, we can find out the frequency of the spectral line when electron jumps from number 5 to number 2, and in that case frequency is equal to 3.29 into 10 to the power 15 1 upon n initial square minus 1 upon n final square. And using these values are placed, and then we find out the answer. Negative sign indicates that light is emitted, but frequency cannot be negative because frequency is having no sign, it is having only magnitude. And wavelength can be used by using this frequency in the formula wavelength is equal to c by nu, and we can find out the value. So during the numerical, we must know that in the numerical, हमें सबसे पहले ये मालूम करना है कि हमारा क्या क्या वैल्यूज दी, इनको हमें यूज करना है. सेकेंड पॉइंट, हमें वो फार्मूला याद होना चाहिए कि किस फार्मूले को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं. देन यू कैन सॉल्व ईच क्वेश्चन ईच न्यूमेरिकल. प्रॉब्लम नंबर 2.11. कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच ई पॉजिटिव. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस orbit? So we must know that what is the formula for finding out the energy of electron in any orbit, and that is given as En is equal to minus 2.18 10 to the power minus 18 z square upon n square joule. For helium plus, n is equal to 1 because electron is present in number 1 orbit, and z for this one is 2, so it will be named as 2.18 into 10 to the power minus 18 2 square divided by 1 square, and placing these values, energy can be calculated. In the same way,
radius of the electron can be find out, and so that the value is 52.9 n square upon z picometer, and placing this value we can find out the radius number 1 for the He plus ion. Question for practice, you can find out the ionization energy of the hydrogen in excited state is plus 0.85 electron volt. What will be the energy of electron emitted when it returns to ground state? So it can be explained as energy of hydrogen atom in ground state, we know that is minus 13.6 as per the formula E is equal to minus 13.6 z upon n square. उससे वैल्यू उसकी माइनस 13.6 आती है. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट प्लस 0.85, जो एनर्जी वो उसको टोटल मिल रही है वो प्लस में 0.85 है. दैट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट ये आपकी बनी हुई है माइनस 0.85. तो इस तरह से उसकी जो वैल्यू उसको मिली हुई है वो माइनस में है. सो एनर्जी जो एमिट करेगा वो दैट विल बी the amount of energy जो उसको ionization energy उसकी है minus ground state में उसकी अपनी कितनी value है उसके दोनों को use करके we can find out the answer 12.75 electron volt. And that is all for today. Thank you. Keep watching, like and subscribe. Thank you.